और जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं G20 न्यूज। अभी हम रात के 10:30 बजे करीब में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अभी देखिए ये बेली रोड वाले सड़क पे हैं हम, लेकिन इस प्रकार से देखा जा सकता है कि आज BCCI में सबसे बड़ी खुशखबरी है कि सबसे एक यंगेस्ट युवा क्रिकेटर जो आज भारत में कहा जाए तो दोहरी शतक लगा करके अपना नाम और बिहार का नाम कहीं ना कहीं रोशन करने का काम किया है। सबसे पहले स्वागत है आपको G20। थैंक यू। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या लग रहा है कि ईशान किशन जो है आज पटना के मतलब बिहार के एक ऐसे युवा, एक ऐसे कहा जाए तो लाल, जो आज क्रिकेटर में दोहरे शतक लगा करके आज कहीं ना कहीं बिहार का नाम रोशन करने का काम किया। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हम बिहार वासियों के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है क्योंकि बिहार का ही कोई होकर के बिहार को आगे प्रमोट करा रहा है। एंड यस, आज की जो सेंचुरी थी वो काफी ज्यादा स्पेशल थी, डबल सेंचुरी थी और वर्ल्ड क्रिकेट में एक रिकॉर्ड भी सेट हुआ है क्योंकि सबसे फास्टेस्ट डबल सेंचुरी लगाने का, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और खासकर जब बिहार से हुआ है तो ऑब्वियसली हम बिहार वासियों के लिए एक प्राउड मोमेंट है। अच्छा ठीक है, तो क्या लग रहा था कि आज की जो मोमेंट है कहीं ना कहीं बिहार में सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है? बिल्कुल, बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए क्योंकि हमारे बीच का ऐसा युवा क्रिकेटर जो कि अभी अपना करियर का शुरुआत किया है, क्रिकेट इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसने आज दोहरा शतक लगाया सबसे तेज, जो कि अपने आप में ही एक विश्व रिकॉर्ड है, तो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। हम लोग का बिहारियों का सर ऊंचा कर दिया उसने और आगे भी ऐसे ही करता रहेगा उम्मीद। आपकी उम्र कितनी? हमारी उम्र 27। या लेकिन कहीं ना कहीं हमसे वो काफी छोटा है। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब 24th ईयर्स का एक ऐसा नौजवान जो आज भारत को पूरे नाम रोशन करने काम किया, जैसे BCCI में सबसे युवा क्रिकेटर कहीं कहने आने वाला और आज कहीं ना कहीं आज दोहरा शतक लगा करके बिहार का गर्व सबसे ऊंचा करने का। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उन्होंने जो किया है इतने कम उम्र में, मतलब ऐसी उपलब्धि हासिल करना अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स नहीं कर पाए। उन्होंने विश्व पटल पे मतलब बिहार का नाम बहुत ऊंचा मतलब कर दिया है आज का जो उनका था, और मतलब आगे की भी उनको शुभकामनाएं, ऐसे ही बिहार का नाम रोशन करते रहे और भी दोहरे शतक, और आज तक किसी ने वनडे इंटरनेशनल में 13 शतक नहीं लगाया, हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 13 शतक भी लगाए वनडे इंटरनेशनल। उम्मीद भी था कि आज 13 शतक लग सकता था क्योंकि जिस तरह से वो चल रहे थे लगातार अपने बैटिंग में, तो वो 13 शतक की तरफ मूव भी कर रहे थे। वो एक कैच बहुत ही शानदार हो गया है ना, अच्छी पारी के साथ एक अच्छा कैच भी हुआ जिसकी वजह से वो आउट हुए। हाँ, एक चीज जरूर अच्छी बात हुई है कि बिहार के लिए एक अच्छी बात ये भी हुई कि धोनी के जगह पे ईशान किशन उस रिप्रेजेंटेशन को शायद कैरी कर पाए अगर जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। हमें एक ओपनर्स की तलाश भी है क्योंकि शायद रोहित शर्मा के साथ कोई दूसरा ओपनर मिल नहीं पा रहा है। ईशान किशन कैन फिल द स्प्लिट क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड भी है और ये शायद इंडिया की सबसे बड़ी अभी जरूरत है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की, और वो ईशान किशन फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात बताइए कि बिहार में सबसे बड़ी कमी क्या है? क्रिकेट क्लब बोर्ड नहीं है हमारे यहाँ बिहार में, तो इस चीज के लेकर के क्या आपकी मन में क्या राय है? आज से नहीं, बहुत दिन पहले से देख रहे हैं कि यहाँ के जो भी क्रिकेट संस्था है, मतलब किन्हीं के पास एफिलिएशन नहीं है या फिर जो भी उनके इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके कारण यहाँ के युवाओं को चांस नहीं मिलता है कि वो जा करके देश के लिए खेल सके। बहुत सारे युवा जो यहाँ पे है जो अच्छा खेलते हैं, जिनके पास मौका है, वो बाहर से दूसरे स्टेट से जा करके खेलते हैं और प्लस अपना वहाँ पे इंडिया के लिए फिर आगे उनको मौका मिलता है। लेकिन इसके कारण बहुत सारे युवा जो यहाँ पे है जिनको मौका मिलना चाहिए उनको मौका नहीं मिल पाता है, तो इसी के लिए मैं तो दरख्वास्त यही करूँगा कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और कम से कम ये जो भी चीज़ है, जो भी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म करके युवाओं के तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि एक ऐसी यहाँ पे संस्था क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार, चाहे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, उनमें से किन्हीं एक को मान्यता दे करके युवाओं का भविष्य उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। पॉलिटिक्स तो क्योंकि देखिए चलता रहेगा, आज नहीं हमेशा ही चलता आया, आगे भी चलेगा। युवाओं के ऊपर फोकस करके आगे बिहार के युवाओं को मौका मिलना चाहिए ताकि एक ईशान किशन नहीं सैकड़ों ईशान किशन यहाँ से निकले, IPL जैसे मंच के ऊपर रिप्रेजेंट करे, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर विश्व हम लोगों को रिप्रेजेंट करे, ताकि एक बच्चा यहाँ से निकला आज उसने हम लोगों को गर्व मतलब महसूस करवाया है और भी जितने निकले हम लोगों को गर्व महसूस करवाए, अपने यही चाहेंगे। पता होना चाहिए कि बिहार से अभी मुकेश सिंह जो क्रिकेटर है गोपालगंज से, और कहीं ना कहीं वो भी निकले और काफी अच्छा खेले और कहीं ना कहीं बंगाल के लिए काफी अच्छा मतलब रनवे किए और बहुत अच्छा अपने मैच से उन्होंने दिल जीते। बिहार के जितने भी लोग रहते हैं जब उन्हें मौका मिलता है ना तो उस मौका को हमेशा वो उसको भुनाते जरूर है, और अगर इस मौके को मिलता जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा वो बेटर परफॉर्म करेंगे, इसलिए बिहार के लोगों को आगे लाना होगा। हाँ, हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हमें प्लेटफॉर्म कम मिलते हैं, अदरवाइज अगर प्लेटफॉर्म मिले तो ऑब्वियसली यहाँ की कोई भी चीज़ें पैसेंजर नहीं है। अगर प्लेटफॉर्म मिल जाए
तो कहना कि हमारे बीच बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो खेलने की पूरी कोशिश करते हैं, आप भी साथ क्रिकेट खेलते होंगे। हाँ, मैं भी क्रिकेट खेला करता था लेकिन अब उस जगह पे खेल नहीं रहा हूँ, रीजन यही है क्योंकि शायद रीजन, एक बात बताइए रीजन क्या हो जाता जिसकी वजह से हम और आप या जितने भी क्रिकेटर हैं बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन सब ईशान किशन नहीं है। ईशान किशन को माता पिता सपोर्ट किया और कहने के बिहार से बाहर उठा करके भेजा और कहने के उनका जीवन आज कहने के चरम स्थान पे और कहने पूरे भारत का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन आज और हमको आपको या हमारे जैसे बहुत से नवयुवक हैं जिनको मौका नहीं मिला, क्यों? शायद सबसे बड़ा कारण प्लेटफॉर्म ही है, शायद हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण बिहार के टैलेंट हर एक फील्ड में आपको नजर आते हैं बट प्लेटफॉर्म की कमी की वजह से हम माइग्रेट करते हैं, हम यहाँ से वहाँ पलायन की तरह मजबूर हैं। लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म अगर हमें बिहार में मिलने लग जाए, अगर हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अगर उनको ये बात समझ में आए कि सच बात है टैलेंट की कमी यहाँ नहीं है और उन्हें पता भी है और ये पूरी दुनिया देख भी रही है कि बिहार के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है इस टैलेंट को एक जगह देने की, एक सही ट्रेनिंग की, और अगर ट्रेनिंग मिलेगी तो शायद हम बिहारी जो सबसे पीछे माने जाते हैं और ये जो हमारे साथ चलता है कि एक बिहारी 100 पे भारी, ये हम करके दिखा देंगे। एक बिहारी 1000 पे भारी, 1000 पे क्या, हम अगर चाहेंगे तो हम विश्व पे, अगर विश्व रिकॉर्ड भी बना तो आज वो विश्व रिकॉर्ड बन गया, तो विश्व पे ही सबसे बड़ी एक रिकॉर्ड बना के दे दिया ईशान किशन ने। और महेंद्र सिंह धोनी इसके पहले इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे कहीं ना कहीं, वो भी बिहार बैकग्राउंड से, तो बिहार के बैकग्राउंड से बहुत सारे लोग निकल के आए हैं, आगे इनको बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसके लिए जरूरत है हमारे सरकार को कि बहुत ज्यादा इस चीज को ध्यान दे युवा टैलेंट्स को। और हम कहते भी है कि हमारी सरकार कहते भी है कि यंगस्टर्स में बहुत पावर है और यंग इंडिया है, यंग बिहार है, तो यंग बिहार को यंग और ज्यादा यंगस्तान की तरफ जाना। यसन अगर यहाँ पे वोट डाल दे तो क्या लग रहा है कि बिहार से एक टीम, बहुत बड़ी टीम खड़ी हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मुझे तो ये लगता है कि अलग से हम लोग IPL टीम भी खड़ी कर सकते हैं, ऐसा भी होना चाहिए। लेकिन पहले के अंदर हम लोग देखते हैं पटना पायरेट्स हैं तो उस तरह से बिल्कुल एक बिहार के होने, और ऐसी उम्मीद भी है कि अगर इंडियन टीम को रिप्रेजेंटेशन मिलने लगे बिहार से तो ऐसा हो कि टॉप 11 जो आपके टीम सिलेक्ट होता है उसमें 5 से 6 अपने बिहार के हो सकते हैं, बिल्कुल हो जाएंगे। क्योंकि आप देख भी लो, अगर बैकग्राउंड उठाओ आप पिछले कुछ के साल से तो यूपी और बिहार के ही लोग ज्यादातर आपको रिप्रेजेंट करते हुए दिख रहे हैं, दे आर टॉप परफॉर्मर्स। तो आप चाहो तो अगर बिहार के लोग आते हैं तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड। लास्ट बात क्या बोलना चाहेंगे उन क्रिकेटर के लिए, ईशान के लिए? आज आपने बिल्कुल सच में धागा खोल दिया है, बहुत अच्छा लगा आज आपकी पारी देख करके, ऐसे ही परफॉर्म करते रहिएगा और आगे, मतलब यहाँ तो आपकी जर्नी शुरू हुई है, आपका करियर शुरू हुआ है, आपने इतना बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है, आगे एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसे MSD ने हमारे स्टेट का नाम रोशन किया हमारे बीच के होते हुए, उसी तरीके से आप भी यहाँ नाम रोशन करिए और हम लोगों को हमेशा आगे भी गर्व महसूस करवाते रहिए। शुभ नाम? अभिषेक। रोहित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने बहुत अच्छा सुविचार दिया ईशान किशन को। मैं बता दूं कि देखिए ईशान किशन जैसे बहुत सारे बिहारी अभी पड़े हुए हैं लेकिन उन लोग एक क्या बोला जाता है, एक मोहरा नहीं मिलता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिस वजह से हमारे जैसे या ईशान किशन जैसे बिहारी दुबक जाते हैं। और ऐसा मिल जाए तो मैं एक स्लोगन बोलना चाहता हूँ कि एक बिहारी 1000 पे भारी। जय हिंद, जय भारत।